Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी वर्सेस राधे फिल्म के डे वन के कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आप भी अगर सलमान खान और अक्षय कुमार सर के ट्रू फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये दोनों ही बॉलीवुड के नंबर वन और नंबर टू स्टार है। कभी ये नंबर वन पे होता है तो कभी वो नंबर वन पे। दोनों ही स्टार की अपनी फैन फॉलोइंग है और दोनों ही हीरो के बहुत ज़्यादा फैन है। दोस्तों अगर कोरोना वायरस नहीं फैला होता तो आज सूर्यवंशी सिनेमा घरों पर रिलीज हो चुकी होती, यानी कि सूर्यवंशी फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो 24 मार्च 2020 थी, पर कोरोना वायरस की वजह से सिनेमा घर बंद है। दोस्तों तो अब हम बात करते हैं राधे फिल्म के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राधे फिल्म 22 मई 2020 को रिलीज होने वाली है ईद के मौके पर, और इस बार हमें सलमान खान के साथ रोमांस करती नजर आएंगी दिशा पटानी। दोस्तों राधे फिल्म वांटेड का सीक्वल है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रभु देवा ने और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यशराज फिल्म ने। दोस्तों राधे फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो चुकी है और इस फिल्म में हमें सलमान खान सर एक्शन करते नजर आएंगे। दोस्तों राधे फिल्म की स्टारकास्ट में लीड रोल में हमें सलमान खान सर, दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिलेंगे और इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग है जो कि जैकलिन फर्नांडिस करती नजर आएगी। दोस्तों इस फिल्म में तीन विलन है, यानी कि सलमान खान के ऑपोजिट तीन विलन रहेंगे। दोस्तों ये फिल्म एक्शन और ट्विस्ट से भरपूर है, यानी कि इस फिल्म में दमदार एक्शन भी नजर आएंगे, VFX भी नजर आएगा। इस फिल्म का जो बजट है दोस्तों वो हाई है, ऑब्वियसली हाई रहेगा क्योंकि इस फिल्म में सलमान खान है। दोस्तों इस फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है वो 95 करोड़ बताया जा रहा है। दोस्तों इस फिल्म का पहले क्लैश होने वाला था अक्षय कुमार सर की फिल्म लक्ष्मी बॉन्ड के साथ, पर अब लगता है कि इस फिल्म का क्लैश होगा सूर्यवंशी के साथ। अगर दोस्तों राधे फिल्म का क्लैश सूर्यवंशी के साथ होता है तो यशराज फिल्म इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है राधे फिल्म को, तो सारी की ज़्यादातर स्क्रीन राधे फिल्म को मिलेगी। इस हिसाब से राधे फिल्म अपने पहले दिन इंडिया से 32 करोड़ से 42 करोड़ का ओपनिंग ले सकती है बम्पर, और इस फिल्म का लाइफ टाइम 300 करोड़ तक जा सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम कितना जाएगा राधे फिल्म का और पहले दिन का कमाई कितनी होगी? अब हम बात करते हैं सूर्यवंशी फिल्म के बारे में। दोस्तों 24 मार्च 2020 यानी कि आज रिलीज होने वाली थी दोस्तों सूर्यवंशी, पर कोरोना वायरस की वजह से नहीं रिलीज हो सकी। अगर इस फिल्म का क्लैश होता है राधे फिल्म के साथ तो सूर्यवंशी हमें 22 मई 2020 को रिलीज होती हुई नजर आएगी। सूर्यवंशी फिल्म की स्टारकास्ट में लीड रोल में हमें अक्षय कुमार सर, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, रणवीर सिंह जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिलेंगे, और दोस्तों अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की हिट जोड़ी में से एक मानी जाती है। इन दोनों ने पहले कई सारी फिल्म कर चुके हैं, हालांकि बीच में कई सालों में एक भी फिल्म नहीं आई, पर पहले बहुत सारी फिल्म आ चुकी थी। दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है वो 80 करोड़ बताया जा रहा है और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी। दोस्तों सूर्यवंशी भी एक एक्शन फिल्म रहेगी और इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार सर एक पुलिस कॉप के रूप में नजर आएंगे और उनका साथ देंगे सिंघम और सिम्बा, यानी कि अजय देवगन सर और रणवीर सिंह। सूर्यवंशी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया था और दर्शकों को इस फिल्म का ट्रेलर बहुत ही पसंद आया था और ये बॉलीवुड इतिहास का सबसे लंबा ट्रेलर भी माना जा चुका है। दोस्तों अक्षय कुमार के फैंस को कब से इस फिल्म का इंतजार है कि कब रिलीज़ होगी, पर कई सारी मुसीबतों के कारण ये फिल्म डिले हो रही है। अभी तक सूर्यवंशी फिल्म का रिलीज डेट फाइनल नहीं हुआ, हालांकि ये फिल्म बनकर रेडी हो चुकी है कम्प्लीटली। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अगर सूर्यवंशी फिल्म का राधे फिल्म के साथ क्लैश होता है तो ऑब्वियसली राधे फिल्म को यशराज फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यानी कि राधे फिल्म को ज़्यादा स्क्रीन काउंट मिलेंगे वर्ल्ड वाइडली और इंडिया में भी। तो सूर्यवंशी अपने पहले दिन इंडिया से 27 से 37 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है पहले दिन, और इस फिल्म का लाइफ टाइम
250 से 280 तक हो सकता है अगर इस फिल्म का रिव्यू अच्छा रहा तो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करेगी, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और आप कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, राधे या सूर्यवंशी, ये भी जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।